के दिन तो सरकारी द्वारा की जाएगी, इंस्पेक्टर द्वारा नहीं की जाएगी। तो बोलते हैं ना, जब संजोग होता है तो संजोग होता है, मतलब माता के दरबार में हमेशा आता है बुलावा। अगर बुलावा नहीं आया तो आप नहीं आ सकते। मम्मी पापा लोग को आए हुए करीब हो गए 6 महीने यहाँ पे, तो 6 महीने तो मम्मी पापा ये बोला चंडिका देवी चलेंगे, चंडिका देवी चलेंगे। लेकिन हम लोग उतने में मतलब बनारस मम्मी पापा लोग घुमाए, अयोध्या घुमाए, पूरा नेपाल घूम के आ गए। लेकिन हम लोग सिर्फ 40 किलोमीटर दूर लखनऊ से, मतलब हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर माँ चंडिका देवी मंदिर पे नहीं जा पाए। तो देखिए आज मुहूर्त है क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट है और चंडिका देवी मंदिर हम लोग जा रहे हैं नवरात्रे की पूजा करने के लिए। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो फिलहाल सुबह के बजे हैं करीब 6:30, मतलब 6:30 क्या 7 बजने वाले हैं पूरे। वैसे हमारा कमिटमेंट था 6 बजे आने का, पापा और मैं हो गए थे 6 बजे तैयार, मम्मी और निहारिका ने कर दी देर है क्या हम दो क्योंकि निहारिका आज पहनने लगी साड़ी, तो उसने साड़ी पहनने में देर लगा दी, तो ऐसा तो हो गया लेट। लेकिन सुबह का नजारा कुछ ऐसा है, नजारा है तो ये सुबह का कुछ नजारा है ऐसा, हल्की 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 धूप आ चुकी है। ऊपर देखिए उस हाईवे पे बहुत सारी कार लगी हुई है एक एक लाइन से, वहाँ पर लोग मोस्टली ना बर्थडे मनाते हैं इसके ऊपर। मैं जब भी देखा तो लोग उसमें मोस्टली ना बर्थडे मनाते हैं। तो यहाँ से दूरी है चंडिका देवी मंदिर की वो है सीतापुर रोड पे है, और यहाँ से है करीब 40 किलोमीटर दूर। वहाँ नवरात्र के टाइम में बहुत भीड़ लगती है, इसलिए हमने मॉर्निंग के टाइम मॉर्निंग का टाइम चूज किया है कि हम लोग मॉर्निंग में वहाँ पर जाएं और जल्दी जल्दी पूजा करके आ जाएंगे, बाद में लगेगी वहाँ पर लाइन। क्रॉस करते हैं ना हम लोग बक्सी का तालाब, क्रॉस करते ही सीधे चंडिका देवी का मतलब रास्ता यहाँ से आता है। यहाँ से हम लोग करेंगे लेफ्ट टर्न और पहुंच जाएंगे हम लोग माँ चंडिका देवी के वाले दरबार वाले रास्ते में। आप ये देखिए यहाँ पे इसका गेट बना हुआ है, ये इसका गेट है माँ चंडिका देवी का। देखो इतना है लोग वहाँ जा रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग देर करते ना तो बहुत भीड़ आती है नवरात्रे में, तो खासकर सुबह सुबह मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग तो आ भी गए हैं वहाँ से वापस। तो यहाँ से करीब अभी हमको 10-12 किलोमीटर और पड़ेगा चंडिका देवी मंदिर, मतलब ये ऐसा कुछ जंगल वाला रास्ता बीच में पड़ता है जो बहुत काफी खूबसूरत है, भी दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देखिए ये पूरा है जंगल वाला रास्ता, बड़ा मस्त। दोनों ओर आम के बगीचे हैं, इस बार आम बहुत आने वाला है लखनऊ में ऐसा लग रहा है, आम और लीची काफी आए क्योंकि इतना ज्यादा बोरा आया हुआ ना उस पर। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं मंदिर के, तो हम लोग कह रहे हैं कितनी दूर पार्किंग मिलेगी, कितने क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग ने कार खरीदी थी तो हम लोग पूजा कराने के लिए इधर ही आए थे, तो उस दिन हम लोग को थोड़ा गाड़ी पूरे आगे तक पार्क पर चले गई थी। लेकिन आज भीड़ ज्यादा है क्योंकि उस दिन भीड़ कम थी, सावन का महीना था इसलिए कम भीड़ थी, लेकिन आज भीड़ ज्यादा है तो आज मैं भी पुलिस वाले पहले रुक लें, फिर हमको मंदिर 2-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़े ऐसा पॉसिबल है। देखिए अगर किस्मत सही रहेगी तो मंदिर तक पास से पार्किंग पहुंच जाएंगे, वरना फिर ऐसे ही दूर 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 पर पार्किंग करके फिर पैदल जाना पड़ेगा। नहीं आप रास्ता देखो ना, रास्ता कितना खूबसूरत है, क्योंकि ग्रीनरी है रास्ते में और सावन के महीने में तो ये काफी खूबसूरत लगता है, साथ में मोर और भी आते हैं सस्ते में पूरे मस्त। तो यह है देखिए आप कार पार्किंग जहाँ के लिए हमने दिया 20 रुपये चार्ज,
तो मोस्टली देखो आप कितनी ज़्यादा पार्किंग सुबह सुबह भर चुकी है, अभी मॉर्निंग के करीब 8 बजे हुए हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। उधर कहीं पे 20 रुपये लिया जा रहा है पार्किंग का, साथ साथ में यहाँ पे मतलब भीड़ काफ़ी है। अभी अंदर के नज़ारे आपको दिखाते हैं मंदिर के साथ साथ सब कुछ। तो आप देखिए ना लाइन कितनी लंबी लग चुकी है अभी तक, यह ऊपर तक लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी है। माताओं बहनें खास तौर से अपना पर्स मोबाइल गले की चैन आदि को सुरक्षित रखकर श्री माता रानी का दर्शन करें और साथ में पुजारी जी से निवेदन कर रहे हैं कृपया वो प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी प्रसाद चढ़ा करके भक्तों को जल्दी से वहां से निकालिए। तो अभी तक आप देखिए हम लोग थे उस रोड के बाहर, हम लोग आ गए मंदिर परिसर में। इसमें क्या है कि ऐसे यू शेप में बैरिकेडिंग लगी रहती है, तो इसमें अभी हम लोग सामने है मंदिर माँ चंडिका देवी का, वो सामने तो उस साइड लगी है लाइन, इधर वुमेन्स की अलग लगी हुई है, मम्मी यानी हर का वहाँ लगे हैं, पापा और में लगे हुए इधर जेंट्स वाले में। मंदिर में हम लोग खड़े रहे पूरा 2 घंटा। कैसा लगा मम्मी मंदिर? पापा और मैंने और निहारिका ने देखा था पहले, मम्मी ने देखा था। पापा लखनऊ रहे हैं तो पापा 2 बार चले गए थे, पापा तीसरी बार गए, मैं भी तीसरी बार गया, निहारिका दूसरी बार गई। इसलिए हमने कार खरीदी थी ना, हम पहली बार लेके कार वहाँ ले गए थे। मैं एक बार अपने बर्थडे में पहले गया था, मम्मी गई आज पहली बार, तो मम्मी को मंदिर काफी अच्छा लगा, हम लोग को तो अच्छा लगता है, तभी हम दोबारा जा रहे थे। अपना नवरात्रा था, माँ चंडिका देवी आप सब लोग को कृपा बना के रखे और आप सब लोग को नववर्ष की शुभकामनाएं, भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं और नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मजा आया आज के ब्लॉग में, मतलब लाइन पे काफी देर तक खड़े थे, इनको मिला वोमेन होने का फायदा। ये लोग निहारिका और मम्मी ने तो आधा घंटा से भी ज्यादा मुझे लगता है, आधे घंटे से पहले बैठे हुए थे, पापा में बिता लाइन पे लगे हुए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जो करिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगैर ना जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।